गाइस, गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा डिफरेंट जगह से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वो फर्नीचर की चीज़ें लाने, थोड़ा सा नॉब वॉब लाने हैं और ये सारी चीज़ें लानी है। तो हमने सोचा चलो अभी निकल जाते हैं, नहीं तो फिर इनको टाइम नहीं मिलता यार। ये ड्यूटी से आते हैं ना, उसके बाद ये खाना खाते हैं, उसके बाद हमें जो कुछ भी लाना होता है उसके बाद ही लाना होता है। तो इसीलिए हम लोग उसी टाइम निकल जाते हैं जब ये ड्यूटी से आते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं। तो अभी 4-5 बज रहे होंगे, 4 ही बज रहे होंगे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे और हम लोग लेके आएंगे वो सारा सामान जो उन्होंने बताया है कारपेंटर ने हमें, मतलब पहले ही वो लेके आए थे जब हम सारी चीज़ें लाने गए थे ना, उसी टाइम लेके आए थे। बट कुछ चीज़ें ना हमें लगा कि वो चीज़ें उस पर सूट नहीं करेगी, तो इसीलिए फिर वो हमने कैंसिल किए और दूसरी चीज़ें लेके आए। तो यहाँ पर ना नॉब वॉब लेके आए हैं हम लोग, ये नॉब देख रहे थे और ये जो दरवाजे के पीछे वाली कुंडी नहीं होती है वो है। और नॉब ना वो वहाँ पर क्या बोलते हैं जो ड्रॉवर्स वगैरह है ना उसके लिए लेके आए हम लोग। और वहाँ पर पहले हैंडल लिए थे हम लोगों ने, बट हैंडल इतने अच्छे नहीं लग रहे थे वहाँ पे, तो इसी वजह से मैंने उनको बोला कि नॉब लेके आते हैं, नॉब लगाते हैं, नॉब अच्छे लगेंगे। तो हम लोगों ने 3 क्वालिटी के नॉब लिए थे, तो मैं आपको बाद में दिखाई दूंगी कि कौन से नॉब लिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट करके। कुछ महंगे भी है, मुझे इतने ज़्यादा महंगे नहीं चाहिए थे, जो वो स्टोन्स वगैरह नहीं दिख रहे आपको ये यहाँ पर, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो इतने महंगे लेके भी क्या करें यार, स्टोन जल्दी निकल जाते हैं और फिर काम के नहीं रहते वो, और मेरा बच्चा तो और भी ज़्यादा शैतान है, उसके स्टोन्स निकाल देगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने वो सिलेक्ट करके रखे थे, बट मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से लिए हैं। तो वो जो सिल्वर कलर के नहीं दिख रहा है वो लिया है एक, और एक रोज़ गोल्ड कलर का लिया है, और एक लिया है ये लिया है एक रोज़ गोल्ड कलर का, और एक सिल्वर लिया है मेटालिक में, और एक वो लिया है जो एंटीक फिनिश में नहीं दिख रहा है आपको वैसा लिया है एक ये, तो ये लिया है लेकिन छोटी साइज़ में लिया है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये 3 मतलब वैरायटी के लिए है, एक ये लिया है और एक वो लिया है रोज़ गोल्ड कलर का, और एक वो एंटीक फिनिश में लिया है। तो वो लेके आए थे और यहाँ पर नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और आप लोगों को तो पता ही है हमारे घर का फेवरेट ब्रेकफास्ट कौन सा है, पोहा, वही बना रही थी। वो लोग आने से पहले जल्दी जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, ये ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी चले जाते हैं, उसके बाद मुझे खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरह से पहले मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, और आप देख सकते हो बहुत जल्दबाजी होती है मेरी यार, सुबह सुबह बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है सारा कुछ। ये पूजा कर रहे थे, वही धूल मतलब धुआँ है पीछे, तो ये अगरबत्ती इधर उधर घुमाते हैं ना, तो उसी का धुआँ था। और अब मुझे ये बताइए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। हमारा एक बार रिनोवेशन हो जाएगा ना, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं आपके लिए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद के ब्लॉग देखने के लिए। और क्योंकि इससे ना आपको ही हेल्प होने वाली है, मैं आपको जो ब्लॉग दिखाने वाली हूँ इसके बाद के, आपको हेल्प होने वाली है। अगर आपको घर के लिए कुछ लेना है या घर बनाना है या कुछ भी, तो उसके लिए आपको हेल्प होने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें 60,000 भी क्रॉस करने हैं, क्योंकि 60,000 के लिए बस 3-4 हज़ार सब्सक्राइबर्स ही बाकी है। तो हमें जल्दी से 60,000 भी क्रॉस करने हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता चलता है मेरे ब्लॉग्स कौन कौन देखता है। और हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ब्लॉग देखते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है वो ब्लॉग देखते हैं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब भी करके रखा है ना, तो अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो आप अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर सकते हो, और उस पर ऑल पे क्लिक करना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ऑल पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। और यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है आपसे बातें करते करते, और बस यहाँ पर मैंने ना बहुत कम पोहा बनाया था, बहुत ही कम, मतलब एक प्लेट इनके लिए बनाया था और एक प्लेट बच्चों के लिए बनाया था, बस 2 ही प्लेट मैंने निकाले थे, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है उसके बाद, और उसके बाद फिर जल्दी से हम लोग खाना भी खा लेते हैं, तो इसीलिए ना ब्रेकफास्ट थोड़ा सा ही बना रही हूँ आजकल। बस यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी है, चाय बन जाएगी, चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो लोग आ जाते हैं ना कभी कभी, कारपेंटर आ जाते हैं जल्दी, कभी कभी वो पेंटर आ जाते हैं, तो उनको भी दे देती हूँ इसमें से ही चाय।
बस पेंटर वगैरह आ जाते हैं ना, तो जल्दी से उनको फिर किचन खाली करके चाहिए, क्योंकि किचन का ही काम चल रहा है अभी। आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कि क्या क्या किचन का काम चल रहा है। तो किचन में अभी ना वही घसाई वसाई चल रही है, थोड़ा सा पुट्टी वगैरह ये वो, तो ये चल रहा है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये तो आपने टीवी में देख ही लिया है, बट इधर ना साइड में मैंने उनको वो बोला था, एक शेल्फ, मतलब शेल्फ मीन छोटा सा वो बॉक्स बनाने के बोला है, तो वो बॉक्स बना देंगे मुझे, तो इसी वजह से वो पूछ रहे थे यहाँ पे, मतलब उन्होंने निकाल के रखा था डिज़ाइन, तो वो आप देख लेना बाद में। और यहाँ पर ना वो जो मैंने हैंडल वगैरह लाए थे, तो हैंडल लगा रहे हैं, आज हैंडल वगैरह का काम पूरा हो जाएगा। और ये जो है, मतलब जो सामान बचा हुआ है ना, वो एक बॉक्स में रख दे रहे हैं, क्योंकि जो सामान बचा है ना हमारा, तो वो हम लोग रिटर्न कर देंगे, इसी वजह से वो एक बॉक्स में रख दे रहे हैं, ताकि उनको भी बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि एक दिन का ही काम बचा है अभी, तो नेक्स्ट डे वो आएंगे और काम करके चले जाएंगे, तो बस उतना ही काम बचा है। और हाँ, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि एक ही लवबर्ड्स बची है, तो यही एक लवबर्ड्स बची है यार। और हाँ, ये जो पिंजरा है उनका, वो क्लीन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ये इस तरह से है अभी, बाद में क्लीन करेंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है यार, इतना सारा काम है और उसमें वो धूल मिट्टी बैठ ही जा रही है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो लोग तो उड़ गए हैं इसके साथ ही, तो प्लीज़ इसे भी छोड़ दो। तो इसका ना दरवाज़ा खोलने के बाद भी ये जाता नहीं है, और जाने के बाद भी ये जो हमारे यहाँ की चिड़िया वगैरह है, तो वो उन्हें उसे छोड़ेंगे नहीं, वो उसे मार डालेंगे, तो इसी वजह से हम लोग भी नहीं छोड़ रहे। और वैसे भी वो दरवाज़ा खोलने के बाद भी नहीं जाता, उसको हमें रखना ही पड़ेगा, मतलब कितने भी हमें हमारा मन हो उसको छोड़ने का, फिर भी हमें रखना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ना मैं डीमार्ट की लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि डीमार्ट की ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए हमें जाना था, मतलब आज नहीं जाना है, कल जाना है, तो मुझे लगा कि मुझे टाइम है, तो मैं डीमार्ट की लिस्ट बना लेती हूँ जो जो मुझे चाहिए, क्योंकि अभी दिवाली की ग्रॉसरी शॉपिंग करनी बाकी है ना, तो ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए हम लोग जाएंगे। और मुझे अभी पता चल गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं घर में और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि मैंने पूरे डिब्बे निकाले, उसमें मैंने सारा कुछ भर के रखा, और जो नहीं है वो मुझे अभी पता चल गया है। तो अभी मैंने सोचा चलो अभी मेरे ध्यान में है तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ, तो इसी वजह से मैं लिस्ट बनाने बैठ गई थी। और उसके बाद यहाँ पर काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ आपके लिए, आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर नीचे बस उन्होंने वो हैंडल वगैरह लगा दिए थे, और ये यहाँ पर थोड़ा सा वही हैंडल वगैरह यहाँ के लगा रहे हैं, तो बस वही चल रहा है, मतलब वो मैग्नेट वगैरह नहीं लगते हैं तो उसे वो चिपकता है, तो वही लगा रहे हैं। ये छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, मतलब फर्नीचर का काम ख़त्म हो जाने के बाद भी वो जो हैंडल वगैरह है, मैग्नेट वगैरह है, लगाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसी तरह से ये एक पेंटर यहाँ पर वो पुट्टी वगैरह लगा रहे हैं, उसे घिस रहे हैं, और उधर कारपेंटर का काम चल रहा है, कारपेंटर का काम थोड़ा सा ही बाकी है अभी, तो कारपेंटर का काम कल या परसों हो जाएगा, उसके बाद पेंटर का काम ही चलेगा। क्या बात कर रहा है तू? ये वाला कॉमेडी है। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर नीचे बहुत करना पड़ रहा है मुझे, तो अभी मैं और ऊपर गई थी और नीचे आई हूँ, तो वो इस तरह से यहाँ पर बना के दिया है उन्होंने, जो मैंने उनको बताया था, ये वाला बॉक्स मैंने उनको बनाने के लिए बोला था, अभी इसे माइका वगैरह लगाना बाकी है, बट आप ऐसे ही देख लीजिए थोड़ा सा, तो इस तरह से। और आप गेस करना कि ये मैंने किस लिए बनाया है, तो मुझे लगता है कि आप गेस कर पाओगे, तो आप गेस करके ज़रूर बताना मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर ये पुट्टी वगैरह हो गई थी जब मैं नीचे आई थी, और उसके बाद घिसाई वगैरह भी हो गई थी, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो घिसाई वगैरह हो गई है, तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहा है अभी पेंटर वगैरह, तो जल्दी ही हो जाएगा, दो चार दिन में काम हो जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। बट पेंटर का काम भी दो चार दिन में अंदर का हो जाएगा, बट बाहर का थोड़ा सा है बाकी, तो वो चलते रहेगा, मुझे नहीं पता अभी वो कब ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैंने उनको बोला है कि अंदर का काम जल्दी से ख़त्म कर दो। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का भी काम है, आप देख सकते हो सारे बोर्ड्स निकाल के रखे हैं उन्होंने, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड ये सारे निकाल के रखे हैं, तो इसी वजह से ये भी पॉइंट लगाने हैं उन्हें, तो बहुत सारा काम बाकी है यार, कब ख़त्म होगा मुझे नहीं पता। यहाँ के स्टिकर्स निकाल दिए हैं, इधर चिपका दिए ये, क्योंकि ये वेस्ट जाते हैं, इसी वजह से इधर चिपका दिए मैंने। और यहाँ पर पेंट हो जाने के बाद लगाने के लिए नए ऑर्डर किए हैं मैंने, वो पता नहीं अभी कब मिलेंगे मुझे,
तो चलिए फिर लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।